माधोपुर गांव में दीनाचंद नाम का एक चालाक और लालची सेठ रहता था। वो गांव के बेहद गरीब लोगों को ठगता था। गांव के लोग अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दीनाचंद के पास अपने बर्तन, जेवर और बाकी का सामान बेचकर बदले में अनाज, तेल, राशन लेते थे ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सके। दीनाचंद की दुकान में देवी लक्ष्मी का एक चित्र लगा हुआ था। दीनाचंद जब भी बेईमानी करने लगता तो सोचता कि देवी लक्ष्मी तो उसके साथ हैं और उस पर देवी लक्ष्मी की बहुत कृपा है। तभी उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, इसीलिए वो रोजाना गांव वालों को धोखे से ठगता रहता था। दीनाचंद के पास एक तराजू था जिसमें वो गांव वालों की लाई हुई चीजें और एक तरफ अनाज की बोरियां और राशन रखकर तोलता। दीनाचंद अपने जिस तराजू से तौलता था उसके नीचे वो चुंबक लगाकर रखता था। तराजू का घोटाला बेचारे गांव के गरीब लोग नहीं समझ पाते थे। दीनाचंद वजन तौल देता, वो लेकर चुपचाप घर चले जाते थे। सेठ जी, पीतल का पतीला है, मैं बेचने के लिए लाया हूँ। घर में अनाज खत्म हो गया है और आप तो जानते ही हो, मेरी कोई अपनी जमीन तो है नहीं जो मैं खेती बाड़ी कर लूँ। आपके भरोसे ही हमारा घर चलता है मालिक। आप इस पतीले के बदले मुझे अनाज और चावल दे दो मालिक। अगर थोड़े बहुत पैसे ऊपर नीचे हो तो थोड़ी चीनी भी दे देना। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ, तेरे सामने ही सामान खोलूंगा। जितना वजन पतीले का होगा उतना सामान तुझे मिल जाएगा। रुक, मैं अंदर से तराजू लेकर आया। बस फिर क्या था, दीनाचंद दुकान के अंदर गया और उसने अपना तराजू उठाया और पतीले का वजन तोलने लगा। मालिक ये क्या दे रहे हो? क्या दे रहा हूँ? तूने पतीला दिया ना, उसके बदले तुझे अनाज की बोरी दे रहा हूँ। ये पकड़, 5 किलो गेहूँ है। अच्छा, पतीला तो बहुत भारी था, ठीक है आप ये दे दो। फिर दीनाचंद ऐसे ही रोजाना बहुत से गांव वालों को लूट कर अपना घर भर रहा था। लक्ष्मी माता, बस इसी तरह मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं गांव वालों का भला करता रहूं और आप मेरा भला करती रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दीनाचंद की मक्कारी से भरी सारी बातें बैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु भी सुन रहे थे। देवी लक्ष्मी, ये साहूकार तो अति चतुर है, देखिए किस तरह से गांव वालों को चकमा दे रहा है। आपको इसे सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, जब भक्त अपनी राह से भटक जाते हैं और ईमानदारी को छोड़कर बेईमानी का मार्ग अपनाते हैं तो भगवान को भी उन्हें सीधे रास्ते पर लाना होता है। अब मुझे ही कुछ करना होगा ताकि मेरा भक्त साहूकार दीनाचंद सही मार्ग पर आ जाए। अरे भोला, ये तराजू कितनी धूल खा रहा है, जरा इसे अच्छे से धोकर रख दे। मालिक रोज तो धोता हूँ, रोजाना धो धोकर तराजू घिस जाएगा। तुझे जितना बोला है उतना कर, चुपचाप तराजू को धोकर यहाँ ला। दीनाचंद जैसे ही तराजू रखता है एक गांव वाला उसके पास आता है। सेठ जी, मुझे राशन की बहुत जरूरत है, मेरी बेटी की शादी है, बारात के लिए खाने का इंतजाम करना है। मेरे पास ये कुछ बर्तन है, आप इनके बदले मुझे अनाज, राशन और घी तेल दे दो। हाँ हाँ, मैं तो देने के लिए ही बैठा हूँ, तुम सबकी मदद करने के लिए ही तो मैंने ये दुकान खोल रखी है। रुक, अभी मैं इन बर्तनों को तराजू में तोल देता हूँ। दीनाचंद बर्तनों की तोल के बराबर सामान तराजू में रखता जाता है, पर बर्तनों के वजन जितना सामान का भार अभी हुआ ही नहीं था। ये देखकर दीनाचंद हैरान रह जाता है। अरे भोला, कहीं तो गलती से चुंबक लगाना तो नहीं भूल गया? नहीं मालिक, वो देखिए ध्यान से, चुंबक तो अभी भी लगा हुआ है। अच्छा, पता नहीं ये वजन तो बराबर ही नहीं हो रहा, इसके बर्तन इतने भारी कैसे हो गए? बर्तनों का वजन भला अधिक क्यों ना होता, तराजू पर तो देवी लक्ष्मी विराजमान थी। देवी लक्ष्मी दीनाचंद को सबक सिखाना चाहती थी ताकि किसी गरीब का नुकसान ना हो, और वो मंद मंद मुस्कुराने लगी। बर्तनों का भार बढ़ता ही गया और फिर अपने चमत्कार से देवी लक्ष्मी ने अपना वजन सामान के बराबर कर दिया। दीनाचंद अपना सिर पकड़ कर रह गया। अब तो वो गांव वालों को लूटता रहता था, पर आज पहली बार वो लुट गया था। वो गांव वाला खुशी खुशी ढेर सारा सामान लेकर अपने घर लौट जाता है। अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा, जब भी कोई गांव वाला दीनाचंद के पास अपने सामान के बदले कुछ लेने आता तो देवी लक्ष्मी तराजू में बैठ जाती और दीनाचंद को ना चाहते हुए भी उस वजन के बराबर सामान गांव वालों को देना पड़ता। अब तो दीनाचंद अपने कान पकड़ने लगा और लक्ष्मी माता के चित्र के सामने जाकर बोला, ए लक्ष्मी माता, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूँ, पहले तो मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, पर अब तो मैं ही लुटने लगा हूँ। मेरी तो कमाई ना के बराबर हो गई है, कहीं आप मेरे से रूठ तो नहीं गई हो? देवी लक्ष्मी दीनाचंद की इस हालत को देखकर मन ही मन हंसती है, पर उन्हें अपने भक्त को सबक भी तो सिखाना था। देवी लक्ष्मी दीनाचंद के सामने प्रकट होती है। दीनाचंद ऐसा ही समझ लो,
अगर मैं एक बार रूठ कर चली गई तो वापस नहीं लौटूंगी। फिर तुम्हारे पास जो भी ये धन दौलत कमाई हुई है सब मेरे साथ ही चली जाएगी। तुमने गरीब गांव वालों को बहुत लूटा है, तुमने उनके साथ क्या बेईमानी की है, ये सब मेरी आंखों से छुपा नहीं है। माता लक्ष्मी की बातें दीनाचंद बहुत ध्यान से सुन रहा था। पहले तुम तराजू में वजन गलत तौलते थे, पर अब तुम्हारे तराजू पर मैं विराजमान रहती हूँ। मेरे होते हुए तराजू कभी भी गलत वस्तु नहीं तोलेगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम एक सेठ से भिखारी बन जाओ? नहीं नहीं माता लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। मेरी आँखों पर लालच का पर्दा था, मैं सोचता था कि आप मुझे नहीं देख रही हो, पर मैं गलत था। भगवान हमारे अच्छे बुरे हर कार्य पर नजर रखते हैं। ये बात मुझे समझ आ गई माता, मैं वादा करता हूँ मैं अब किसी के साथ भी कोई बेईमानी नहीं करूँगा, सबको उनके हिस्से का बराबर सामान दूंगा। पर आप मुझसे रूठ कर न जाओ माता। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, पर याद रहे यदि ऐसा दोबारा हुआ तो फिर मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगी। जाओ और जितने भी गाँव वालों के साथ तुमने गलत किया है उनकी मदद करो, ताकि वो सब तुम्हें दुआएं दें। गरीबों को दान पुण्य करो, हमेशा मजबूर लोगों की सहायता करो, तो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। दीनाचंद ने अपने तराजू से चुंबक को हटाकर फेंक दिया। दीनाचंद ने घोटाला करना बंद कर दिया। अब वो सब गांव वालों को पूरी ईमानदारी से सामान के बदले राशन और अनाज देने लगा। दीनाचंद ने अब दान पुण्य करना भी शुरू कर दिया। अब वो ईमानदारी की जिंदगी बिताने लगा था। उसे ऐसा करते देख देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों मुस्कुरा रहे थे। कहते हैं जिस किसी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए उसके जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन, वैभव तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। वो जब किसी मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देती हैं, उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने नौकरानी बनकर एक माली के घर में बरकत की और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से पूछा, अरे स्वामी, आज सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी में हो? देवी लक्ष्मी, पता नहीं मन कुछ उदास है, इसलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। हे देव, आप धरती पर भ्रमण के लिए जाएंगे तो आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा, क्या मैं भी आपके साथ धरती लोक पर भ्रमण के लिए चल सकती हूँ? ठीक है देवी लक्ष्मी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। ठीक है स्वामी, मैं धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। भगवान विष्णु की इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई और प्रातःकाल होते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य उदय हुआ था। रात बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी उन्हें पता ही नहीं चला। धरती का वातावरण देखने में कितना मनमोहक है, और वो फूलों से भरा खेत, ये तो कितने सुंदर फूलों से सजा हुआ है, मैं ये फूल यदि तोड़ लूं। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत नजर आया और उसी तरफ से खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ये एक फूलों भरा हुआ खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आईं। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। ये देखिए स्वामी, कितना सुंदर फूल है। अरे स्वामी, आपकी आंखों में ये आंसू, क्या हुआ स्वामी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, बताइए स्वामी। देवी लक्ष्मी, आप मेरा वचन याद नहीं रख पाई, शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था, और साथ ही साथ आपको ये भी सोचना था कि किसी की कोई भी वस्तु को कभी भी किसी से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सजा
आपको जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फल तोड़े हैं, ये भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए देवी लक्ष्मी, आप 3 वर्ष तक माली के घर में रहेंगी। इसके बाद मैं स्वयं आपको वैकुंठ वापस बुलाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु वैकुंठ लौट गए। माता लक्ष्मी ने गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के मालिक का नाम माधव था। माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत पे काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। खेत के पास ही माधव की झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर जाती है। माधव लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे लड़की पर दया आ गई। वो लड़की से बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने ही गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वही खिला सकता हूँ। यदि तुम मेरे यहाँ यही रूखा सूखा खाकर खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। आपने मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता लक्ष्मी 3 साल माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसी दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। अजी, ये नई गाय खरीद लाए? ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी हुई। सरला, सब माता लक्ष्मी की दया है। माधव, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। ये सब तुम्हारे दयालु स्वभाव का ही फल है जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने तो मुझे एक गरीब लड़की समझकर अपने घर में शरण दी है। धीरे धीरे माधव की आमदनी अच्छी हो गई। उसने जमीनें खरीद ली और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। सारी सुख समृद्धि, गहने, कपड़े, जेवर सब कुछ अब माधव और उसके परिवार के पास था। लक्ष्मी माधव के घर और खेत में काम करती रहती थी। एक दिन माधव ने सोचा, मुझे ये सब इस लड़की लक्ष्मी के आने के बाद मिला है। जब से ये मेरे घर आई है मेरी किस्मत ही बदल गई है। माधव लक्ष्मी के बारे में सोच में ही था कि एक दिन जब वो अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने ध्यान से देखा, अरे ये तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी लक्ष्मी है क्या? ये तो साक्षात माता लक्ष्मी है। सरला, सरला बच्चों के साथ बाहर आओ, माता लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार पर आई है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माता लक्ष्मी, हमें माफ करना, हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया। माता, हम आपको पहचान नहीं पाए। हमसे ये कैसा अपराध हो गया। माता, हम सबको क्षमा कर दो। माधव, तुम बहुत ही नेक दिल और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे आश्रय दिया, 3 साल तक अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। माधव को और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली जाती हैं। माधव और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करता है।